बताता हूँ। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन भगवान ने योग निरोध किया तो समवसरण विकसित हो गया, समवसरण विकसित हो गया। और समवसरण विकसित होता है, भगवान योग निरोध करके ध्यान में लीन हो गए, इसीलिए उसका नाम हो गया धनतेरस। मैं संक्षेप में आपको सुना रही हूँ, उसका नाम हो गया धनतेरस। आप ध्यान में रखें, ध्यान तेरस, वो असल में है ध्यान तेरस। इसके दो नाम है, शास्त्रीय नाम है ध्यान तेरस। भगवान ध्यान में लीन हो गए, पावपुरी में ध्यान में लीन हो गए, और जहाँ ध्यान में लीन हुए थे ऊपर आकाश में आधारी, वहाँ नीचे चारों तरफ सरोवर और बीचों में मणिमयी शिला थी। मणिमयी बहुत बड़ी शिला थी, उसी के ठीक ऊपर आकाश में ऐसा ध्यान में लीन थे। और राजा श्रेणी आदि सब नीचे आ गए थे, और इंद्रगण सब ऊपर ही भगवान के आजू बाजू सब बैठ करके भगवान की पूजा, अखंड पूजा कर रहे थे। बराबर भगवान की पूजा चलती रही, इसलिए वो ध्यान तेरस कहलाई। ये कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी अभी परसों आ रही है, बुधवार को कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, इसे मंगल त्रयोदशी भी कहते हैं। ये धनतेरस भी कहलाती है। अब धनतेरस क्यों कहलाती है उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इसके बीच में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं आपको, ये धनतेरस कहलाती है। उज्जैनी में महामुनि सोमचंद्र जी, सोमचंद्र नाम के महामुनि, सप्तऋषि संपन्न महामुनि विराजमान थे। एक श्रावक थे, उनका नाम था गुणपाल। वो गुणपाल गुणमाल नाम से श्रावक थे। उनकी रानी, उनकी पत्नी का नाम था श्राविका गुणवती, और उनके एक पुत्र था उसका नाम था गुणवंत। लेकिन कुछ पूर्व कर्म के पाप के निमित्त से ये बहुत ही दरिद्रावस्था को प्राप्त थे, बहुत ही दरिद्र थे, धनहीन थे। ऐसी स्थिति में इनका जैसे तैसे कुछ ही तरह गुजारा होता था, मजदूरी आदि कर, और खेती किसानी आदि में भी थोड़ा बहुत काम करते थे। तो होता क्या है, जब वहाँ महामुनि विराजमान थे तो सेठ की भावना हो गई हम आहार दें, लेकिन इतना दरिद्र थे कि कैसे आहार दें, अपने पेट भरने भर का भोजन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। आपस में निर्णय लिया सेठानी ने कि अपन चतुर्मास में एक दिन आहार एक दिन उपवास करेंगे, एक दिन भोजन करेंगे एक दिन उपवास करेंगे, और बराबर चौका लगा करके और गुरु को आहार देंगे। और उन्होंने आहार देना शुरू किया। कभी कभी पटकान होता होगा, रोज रोज तो आएंगे नहीं, बहुत बड़ा शहर उज्जैनी बहुत बड़ा शहर था, हजारों श्रावकों के हजारों लोग पटकान करने वाले। आकस्मिक होता क्या है कि कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, ये साधुओं के चातुर्मास की आहार की अंतिम तिथि आ जाती है। चतुर्दशी को प्रायः उपवास का विधान है। कोई कोई कमजोर साधु भले ही ना करें, लेकिन उपवास का विधान है। और अमावस्या को, चतुर्दशी को रात्रि में वर्षायोग समापन करके निष्ठापन विधि करके पूर्ण कर देते हैं, ऐसा नियम है शास्त्र का। चातुर्मास की निष्ठापना रात्रि में होती है, प्रतिष्ठापना भी रात्रि में, आषाढ़ शुक्ला चौदस को रात्रि में होती है, हम लोग 9 बजे करते हैं, 9-10 बजे। और निष्ठापना अभी हम चतुर्दशी को रात्रि में 3 बजे 4-3:30 बजे करेंगे। उसके बाद भगवान का अभिषेक देखेंगे, निर्वाण कराने का लाडू आदि देखेंगे। तो कुल मिलाकर के त्रयोदशी के दिन आकस्मिक योगायोग से उस श्रावक के घर में ही महामुनि का आहार हो गया। आहार देकर के कमंडलू लेकर के वो श्रावक, उनका नाम था गुणपाल, मुनि के साथ साथ पहुँचे। मुनि तो जंगल में ध्यान करते थे, वो जंगल में पहुँचे, जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए।
श्रावक ने उनको नमस्तु किया, नमस्कार किया, और गरीब तो था ही था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बहुत विनम्रता से नमस्कार करके बार बार चरण छूने लग गया। मुनि ने क्या किया कि अपने पैर के पास का एक पत्थर, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठा करके उसके हाथ में रख दिया। गुरु का प्रसाद, पत्थर का टुकड़ा गुरु का प्रसाद माथे पर लगाया और आ गया, और घर में आकर के एक अच्छे स्थान पर उस पत्थर के टुकड़े को रख दिया खूब भक्ति से कि गुरु का हाथ से पत्थर मिला है, ये महिमा पूर्ण है, हमारे लिए पूज्य बन गया है। और अकस्मात उनका बालक गुणवंत जो है वो कुछ घास वगैरह थोड़ी सी लेकर के और हाथ में खुरपा लेकर के आया हुआ था घर में, और खुरपा लेकर के उछाला तो योगायोग से खुरपा जो है उसी पत्थर पर जाकर गिरा, पत्थर से टकरा गया खुरपा, और लोहे का खुरपा था। और एकदम से देखता है तो सेठ कि वो सोने का बन गया, वो खुरपा एकदम से सोने का बन गया। वो एकदम से देखता है आश्चर्यचकित हुआ, फिर चिंतन करने लग गया, कोई आश्चर्य की बात नहीं, गुरु के चरण से स्पर्शित पत्थर गुरु के हाथ से मुझे मिला है, तो इसे पत्थर में पारस का गुण आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पारस लोहे को सोना बनाता है सुना है, और ये पत्थर पारस बन गया। और बहुत खुश हुआ, सोना बन गया पत्थर पारस के स्पर्श से खुरपा सोना बन गया। तो उसके घर में और भी जो बर्तन थे लोहे के, लोहे की कढ़ाई थी, लोहे के और जो बर्तन थे उनको भी उससे स्पर्श कराया तो सब सोने के बन गए। और ये चर्चा फैलते हुए देर नहीं लगी, सेकंडों में मिनटों में चर्चा आसपास में सब फैल गई कि गुणपाल के यहाँ गुरु ने एक पत्थर दिया है और उसके स्पर्श से लोहा सोना बनता है। लोग अपने अपने घर से लोहा लाने लग गए, दौड़ दौड़ कर लोहा लाने लग गए, और सब उससे स्पर्श कराने लग गए और सोना बनने लग गया। न जाने कितने लोगों ने उस पत्थर से स्पर्श करा कर सोना बना लिया। योगायोग से उस दिन जो है यही कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी थी जो परसों आ रही है, इसीलिए इसका नाम हो गया धनतेरस, धन त्रयोदशी, धनतेरस। भगवान ध्यान में लीन हुए थे इसलिए धनतेरस। और इस सोमचंद महामुनि के सप्तऋषि संपन्न महामुनि थे, ऋद्धि संपन्न थे, उनके चरणों के स्पर्श से लोहा सोना बन जाए कोई बड़ी बात नहीं। हमारे ग्रंथों में कहीं लिखा हुआ है कि श्री पूज्यपाद स्वामी जो विक्रम संवत 302 में हुए हैं, पूज्यपाद स्वामी जिनका पंचामृत अभिषेक बनाया हुआ है सर्वप्रथम बहुत प्राचीन, और उसी पंचामृत अभिषेक का हिंदी अनुवाद पाठ आदि रोज यहाँ करा किया जाता है। ऐसे पूज्यपाद स्वामी को भी कुछ ऐसी रिद्धि थी कि उनके पैर के बंधों तक से लोहा सोना बन जाता था, ऐसा वर्णन आया है। वो धनतेरस प्रसिद्ध हो गई। ये धनतेरस की मैंने संक्षेप में आपको कथा सुनाई है। इसके दो नाम हैं, ध्यानतेरस धनतेरस। ध्यानतेरस तो इसलिए है कि भगवान महावीर स्वामी पावपुरी में ध्यान में लीन हो गए, समोसरण विकृत हो गया, दो दिन ध्यान में लीन रहे, दो दिन भगवान की दिव्य धनी नहीं खिरी, समोसरण नहीं बना, अधर विराजमान रहे, और कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन नहीं उगा था, अंधेरे में भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है। इसलिए पावापुर में मैंने पाया था कि बराबर वहाँ लगभग चार साढ़े चार बजे रात्रि में ही, अंधेरे में ही, बराबर रात में 2 बजे से रथ यात्रा होती थी। इसी सन 2003 और 4 में हम वहाँ रहे हैं, और हमने बराबर देखा है पावापुरी में, कुंडलपुर से पावापुरी जाया करती थी, कुंडलपुर से पावापुरी पास था, उतनी छूट हम लोग चतुर्मास में रखते हैं, 10-12-15 मील तक छूट रखते हैं। दिल्ली में तो पूरा इतना बड़ा दिल्ली शहर है, पूरे दिल्ली के लिए साधु छूट रख लेते हैं, पूरी दिल्ली में कहीं भी जाते आते रहते हैं चतुर्मास में। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने भी चतुर्मास स्थापना की थी सन 74 में लाल मंदिर में, और दिल्ली में कई जगह कई कॉलोनियों में भ्रमण हुआ था उनका,
लोग ले गए थे, दरियागंज भी ले गए और जगह ले गए, कई जगह ले गए थे। तो बात यही है कि जहाँ वर्षा योगी स्थापित करते हैं पूरा शहर छूट में रहता ही है। तो इस प्रकार से ये भगवान का निर्माण रात्रि में हुआ है, ध्यान रखें अंधेरा ही था। और तभी लिखा हुआ है कि इंद्रों ने पावापुरी को दीपमालिका सजा कर इतने दीपक लगाए, रत्नों की दीपक जो भी दीपक की पूरी पावापुरी को आकाश को और धरती और आकाश को जगमगा दिया। तभी से दीपावली मनाने की परंपरा है अपने यहाँ। सुबह भी दीपक जलाते हैं भगवान के अभिषेक के समय, पूजा के समय, निर्वाण लाडू के समय कम जलाते हैं और रात्रि में बहुत ज़्यादा सजाते हैं। हमेशा दीप मालिका कार्तिक कृष्णा अमावस्या को की होती है और कार्तिक शुक्ला एकम से वर्ष का वीर निर्वाण संवत का नया संवत्सर चालू हो जाएगा 2551। इसीलिए मैंने गत वर्ष भी घोषणा की थी, इस वर्ष भी, कि सब लोग अभी स्वामी जी आपको घोषित करेंगे, बताएंगे, सब लोग जो है दीप मालिका और पंचरंगी ध्वज जो निर्वाण महोत्सव में इसी सन 1974 में भगवान का जो 2500वां निर्वाण महोत्सव दिल्ली में मनाया गया था, विशेष रूप में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज और धर्मसार जी महाराज और हम लोग सब उपस्थित थे। बहुत विशाल विशेष रूप में, तो उस समय जो है ये वीर निर्माण संबत अपने यहाँ लिखने और परंपरा को चलाने के लिए अति इस पर आग्रह किया गया कि वीर निर्माण संबत ही मूर्ति पर लिखे। पहले तो विक्रम संबत लिखा जाता रहा है, अधिकतम मूर्तियों में, प्राचीन मूर्तियों में विक्रम संबत मिलता है, लेकिन वीर निर्माण संबत तब से अधिक प्रचार में आया है और अब वीर निर्माण संबत ही सब लिखने लग गए हैं। अति पुराना यही है, बाद में विक्रम संबत है, ईस्वी सन है, वर्तमान में तो 1 जनवरी से वर्ष का नया दिन मानते हैं और हम और आप सभी वीर निर्वाण संबत ने कार्तिक शुक्ला एकम से वर्ष का नया दिन मानते हैं। अब विक्रम संबत से चैत शुक्ला एकम से नया दिन, खैर, तो कुल मिलाकर के ये मंगल त्रयोदशी, उस दिन मंगलवार भी था, तो मंगल त्रयोदशी नाम हुआ और भगवान के ध्यान में लीन होने से ध्यान त्रयोदशी। और सेठ ने, गुणपाल सेठ ने जो भगवान महामुनि के प्रसाद से जो पत्थर पाया और वो पारस बन गया और उसे सोना बनता गया, इसलिए वो धन त्रयोदशी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। इसलिए ध्यान त्रयोदशी, धन त्रयोदशी प्रसिद्धि को प्राप्त। और हमारे योगी आदित्य जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं लखनऊ में, वो जो है धनतेरस को ही यहाँ अयोध्या में 25 लाख दीप जलाने की घोषणा की है। खूब दीपक जलाएंगे, खूब उत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं और हम और आप सभी धनतेरस को भी तो जलाते ही हैं थोड़ा बहुत। अधिक रूप में अमावस्या को भगवान के मोक्ष जाने के बाद दीप मालिका सजाते हैं। हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है कि तभी से दीपक जलाकर दीप मालिका चलाने की, दीप मालिका सजा करके दीपावली बनाने की परंपरा तभी से चली है भगवान महावीर के निर्वाण दिवस से, ऐसा हरिवंश पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान महावीर कैसे बने इस पुस्तक में मैंने उसे प्रकाशित किया है। आप भगवान महावीर कैसे बने पुस्तक यहाँ से ले जाएं, उसको पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने आपको भगवान महावीर स्वामी की जीवन परिचय में और मंगल त्रयोदशी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला। और ये मंगल दिवस हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, दीपावली मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।